भी मुझसे बात कर सकते हो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा। कॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबा दें, स्पॉन्सरशिप के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करो, भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे हैं, पबजी से रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट में यही पूछा जा रहा है कि क्या हम इंडिया में पबजी को खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, और क्या पबजी इंडिया में बैन हो चुका है। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड मैंने आपको बनाया है। दोस्तों, आपका भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कॉमेंट कर सकते हो, आपके लिए भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों। तो आज जो है पबजी के ऊपर जो है वीडियो है, और आज मैं आपको पबजी के बारे में बताने जा रहा हूं, और अगर पबजी खेला जाएगा तो हो सकता है आपको जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। दोस्तों, गुजरात के राजकोट और सूरत जिलों में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी मोबाइल पर बैन लगने के बाद बीते दिनों 10 युवाओं को राजकोट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मोबाइल गेम खेलने पर पुलिस एक्शन के इस अनोखे मामले को लेकर पबजी गेम बनाने वाली कंपनी टेंसेंट भी चिंतित है, और गुजरात जैसे राज्यों में गेम से बैन हटवाने के लिए अथॉरिटीज से संपर्क कर सकती है। कंपनी का कहना है कि वो अपने तेजी से बढ़ते प्लेयर बेस के साथ है, हालांकि इसके विपरीत कई मौकों पर कंपनी चुप रही है। दोस्तों, सबसे पहले इस गेम को जम्मू और कश्मीर में बैन किया गया। गेम खेलने के लिए स्मार्टफोन न मिलने पर मुंबई की एक युवा ने आत्महत्या कर ली थी, और अब राजकोट में प्लेयर्स को अरेस्ट किया गया है। ऐसे मौकों पर कंपनी की ओर से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। अब गुजरात में प्लेयर्स के अरेस्ट होने के बाद कंपनी ने कहा है, पबजी मोबाइल एक गेम है, इसका मकसद स्वस्थ और जिम्मेदार तरीकों से मनोरंजन करना है। दोस्तों, टेंसेंट कंपनी ने कहा, इस हिसाब से हम लगातार बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए काम कर रहे हैं। भारत में हम हेल्दी गेम प्ले सिस्टम देना चाहते हैं। कंपनी ने कहा, हम बैलेंस्ड जिम्मेदारीपूर्ण गेमिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, और इसके लिए अंडर एज प्लेयर्स के लिए प्ले टाइम लिमिट भी ला सकते हैं। हम यह जानकर हैरान थे कि कई शहरों में लोकल अथॉरिटीज ने हमारे गेम खेलने पर बैन लगाने का फैसला किया है। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि उसकी ओर से लीगल बेसिक को समझने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीद है कि बातचीत के बाद बैन हटवाया जा सकेगा। टेंसेंट ने मोबाइल गेम प्लेयर्स को भरोसा दिलाया है कि कंपनी उनके साथ है, और कहा है कि कंपनी इस दिशा में एक बेहतर समाधान ढूंढने का हर संभव प्रयास करेगी। बता दें, राजकोट पुलिस ने करीब 10 युवाओं को अरेस्ट करने के साथ ही जांच के लिए उनके स्मार्टफोन को भी जब्त कर लिया है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया कि पबजी गेम के जो क्या लेटेस्ट न्यूज है, कैसे लोग इसके चलते अरेस्ट हो रहे हैं। तो अब आपको फैसला लेना है कि आपको ये गेम खेलना है या नहीं खेलना है। मेरा कहना ये है कि कोई भी काम करना चाहिए तो बहुत ही सही अनुपात में करना चाहिए, ना कोई चीज़ हमको ज़्यादा करना चाहिए, ना कोई चीज़ हमको कम करना चाहिए। अगर हम गेम भी खेलते हैं तो एक सही टाइमिंग पर खेलना चाहिए, और समय समय का जो एक रूटीन होना चाहिए। अगर दिन भर हम गेम खेलते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे और दूसरा काम कब करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा जरूर से, और प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। भी मुझे कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, स्पॉन्सरशिप के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।